वेलकम बैक हेल्दी मॉर्निंग. अब हम बात करेंगे डेफिनेटली माइग्रेन पे भी, हेडेक पे भी. हेडेक के बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसने हमने आपको सुबह बताया था कि एक चीज़ होती है प्राइमरी हेडेक, एक चीज़ होती है सेकेंडरी हेडेक. सेकेंडरी हेडेक्स की जब बात करते हैं तो कभी कभी उसके रीजंस जो होते हैं वो आँख से रिलेट किए जाते हैं, और बहुत सारे हेडेक्स ऐसे होते हैं जो आँख के अराउंड में फील किए जाते हैं. तो आँख का जो है ना बड़ा एक बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है हेडेक से, और डेफिनेटली माइग्रेन के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा मुझसे भी एग्री कर रहे होंगे इस बात पे कि उनकी आंखों में से भी पानी आ रहा होता है, ऐसा लग रहा है वो रो रहे हैं हालांकि वो रो नहीं रहे होते हैं. तो इन सब चीज़ों में बात करने के लिए अब हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं डॉक्टर हारिस शहजाद. शहजाद आई हॉस्पिटल में आई कंसल्टेंट हैं, इनको वेलकम करते हैं. अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह. अच्छा डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे बताइए वो सारे रीजंस जिसकी वजह से आँख में दर्द होता है. बहुत सर के वो सारे रीजन से आँख में दर्द होता है. देखिए कुछ वजूहत होती हैं जो आँख की वजह से सर में दर्द होता है, और कुछ होता है कि सर की वजह से आँख में भी एक पेन फीलिंग होती है. जो आँख की वजूहत हैं वो यूजली इन्फ्लेमेशन हो गई, थोड़ा सा एक्सेस स्ट्रेस हो गया, थोड़ा ज़्यादा फोकस करते हुए अगर चश्मा नहीं पहना हुआ तो उस वक्त सर में दर्द महसूस होता है. उसका एक पर्टिकुलर सा हेडेक होता है जब पूरे अक्रॉस आपको फील होता है. जो हेडेक्स जो आँख के इतराफ इस्तेमाल जो फील होते हैं उसमें जो सबसे कॉमन है उसको क्लस्टर हेडेक कहते हैं, या माइग्रेन भी होती हैं. बट जो माइग्रेन सफ़र्स हैं वो हमेशा ही कहते हैं कि आँख के इतराफ हमेशा ही दर्द होता है. इसका आँख से यूजली कोई ताल्लुक नहीं होता है, आई इज़ नॉट द रीज़न, मगर इट्स इम्पॉर्टेंट टू गेट द आई चेक कि हो सकता है इस अदर वे अराउंड, जैसे जिन लोगों को माइग्रेन नहीं होता है. तो ये चीज़ें को, इन चीज़ों को डिस्टिंग्विश करना काफ़ी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू डू दैट. सही. अच्छा डॉक्टर साहब मुझे एक बात बताइए, कभी कभी आप कहते हैं ना अगर ग्लासेस की वजह से आपने नहीं पहने हुए अपने आई साइड के ग्लासेस तो आपको उस वजह से दर्द हो रहा है. जी जी. कभी होता है कि आपने आई साइड के ग्लासेस भी पहने हुए हैं उसके बावजूद आपको वैसा ही दर्द हो रहा है आई साइड जैसा, तो ये किस चीज़ की तरफ जाता है? इसकी भी वो है कि अगर दोनों तरफ हो रहा है तो वो एक डिफरेंट हेडेक होता है, अगर एक तरफ हो रहा है तो फिर वो डिफरेंट वजूहत होती हैं. जो एक कॉमन अंडर डायग्नोस्ड कंडीशन है उसको क्लस्टर हेडेक कहते हैं, और बहुत सारे मरीज़ आते हैं और कहते हैं कि आँख के इतराफ़ में दर्द हो रहा है, आँख ही दर्द कर रही है, आँख लाल हो गई है, फोकसिंग में प्रॉब्लम हो रही है, ज़िगज़ैग लाइंस मिल रही हैं. सो दिस इज़ अ वेरिएंट ऑफ अ माइग्रेन, इट्स नॉट माइग्रेन पर से बट इट्स अ वेरिएंट. क्योंकि बट मरीज़ को नहीं पता कि हो क्या रहा है, उसकी नज़र में तो नज़र नहीं आ रहा है, आँख लाल हो रही है, पानी आ रहा है. तो इसके अगर दोनों तरफ पेन हो रहा होता है फिर फोकसिंग का भी इशू एक होता है, जो ग्लासेस पहन के तो ग्लासेस गलत पहने हुए. There's no real one answer. Because headache is such an ambiguous term that not many people would. We, मतलब एक चीज़ में categorize करना काफी मुश्किल हो जाता है. सही. अच्छा हमारे साथ एक कॉल है, डॉक्टर साहब ले लेते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. Good healthy morning. कौन बात कर रहा है? देखिए ये डॉक्टर साहब से ये पूछना था कि मेरी आँखें जो हैं ये बहुत मतलब अक्सर सूज जाती हैं, पानी आने लगता है. अभी मैं कुछ एक हफ्ता पहले गिलगत गया था, जब मैं सफर पे होता हूँ तो ज्यादा मुझे तकलीफ होती है. अच्छा ज्यादा आपको तकलीफ होती है ये? आप सफर मतलब आप ट्रेन से किया आपने कि बाय रोड किया, कैसे किया? मैंने मतलब बाय रोड भी किया है, ट्रेन से भी किया है, जिस तरह भी करता हूँ. तो वो जब पहाड़ी इलाके में जाता हूँ ना तो वो कुछ ज्यादा इफेक्ट होने लगता है. अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है. वरना जब आप यही नॉर्मल मैदानी इलाकों में होते हैं तो इतना आपको नहीं होता? हाँ थोड़ा कम होता है सफर में. अच्छा जब आप गाड़ी में बैठे होते हैं और गाड़ी से बाहर देख रहे होते हैं और गाड़ी चल रही होती है तो आपको इस तरह को कुछ फील होता है? हल्की हल्की होती है. सर में दर्द सा? जी हाँ हल्का होता है. डॉक्टर साहब कुछ पूछना चाहेंगे इनसे? इनका पानी भी आता है, सर में भी दर्द होता है, पहले क्या होता है? पहले क्या होता है, पहले सर में दर्द होता है या पहले पानी आता है? नहीं वो मतलब ये है कि पहले सर में दर्द होता है, ठीक है, उसके बाद पानी आता है, आंखें बहुत सूज जाती हैं. अच्छा अच्छा पहले सर में दर्द शुरू होता है फिर पानी आता है फिर पानी इतना आता है कि आंखें सूज जाती हैं. ठीक मतलब जैसे रोते रोते आंखें सूज जाती है, इस तरह ये भी होता है. बस ये पूछे गाड़ी में एसी ऑन करके जाते हैं? गाड़ी में आप एसी ऑन करके जाते हैं? गाड़ी में एसी? जी हाँ एसी, हवाई जहाज में तो एसी होता है ना. हाँ जी वहाँ तो डेफिनेटली होता है. तो उससे ये होता है कि थोड़ा कम हो जाता है एसी में. एसी में कम हो जाता है, गर्मी में बढ़ जाता है?
जी गर्म नहीं, मतलब जाहिर मैं ठंडे इलाके में जाता हूँ तो बर्फानी इलाके में तो वहाँ तो बढ़ता है ना, मेरा ठंडे से बढ़ता है। अच्छा, आप कह रहे हैं कि आपके ठंडक से सर का दर्द ज्यादा बढ़ने लगता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर से बढ़ जाता है। ठीक है ठीक है, ओके, चाहे ज्यादा गर्मी हो या ज्यादा सर्दी हो, ठीक है। कौन बात कर रहे हैं वैसे, आपका नाम क्या है? मैं रजा बोल रहा हूँ कराची से। जी रजा साहब, चलिए ठीक है, हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ठीक है जी, जी थैंक यू, थैंक यू सो मच। कौन है? बड़े वेग से इन्होंने पे, हाँ काफी वेग था जो उनके पहले सिम्टम्स से मुझे ये लग रहा था कि ट्रैवलिंग सिकनेस, ट्रैवलिंग नहीं मतलब ये ड्राई आईज है एक्चुअली, कि जो ट्रैवल करते हैं एयर कंडीशनिंग होती है, आंख ड्राई होती है और डिफरेंट अल्टीट्यूड्स में आते हैं तो वहाँ पे भी इस तरह का इशू चल रहा है कि जब आंख ड्राई होती है तो चेयर फिल्म का इशू होता है, फिर फोकसिंग का प्रॉब्लम होता है, हेडेक आता है। ठीक है, दैट इज व्हाट आई वाज थिंकिंग, फिर उन्होंने कहा नहीं पहले हेडेक आता है फिर पानी आता है, तो इट कुड बी मोशन सिकनेस लाइक यू सेड, इट कुड बी, इन्होंने हेडेक के बारे में कोई स्पेसिफिक्स नहीं दिए, सिर्फ इनको पानी पर जोर था। आई थिंक इट्स मोर ऑफ एन आई प्रॉब्लम देन अ हेडेक, मेरे ख्याल फोकसिंग का इशू है इनका, बिकॉज एज सुन देखिए बिगेस्ट रिफ्रैक्टिंग सर्फेस वो टेयर फिल्म होता है, अगर टेयर फिल्म में थोड़ी सी डिस्ट्रप्शन होगी तो फोकसिंग में प्रॉब्लम होगा, फिर आँख चाहेगी कि फोकस करे, दिमाग कहेगा फोकस करो मुझे साफ देखना है, और जब साफ नहीं देख रहा है तो फिर सर में दर्द होगा। मुझे बताइए एक्सट्रीम टेम्परेचर्स भी अगर आप एकदम से फेस करें, ग्रेजुअल ना हो और वो ऑल ऑफ अ सडन, जिस तरह हम बहुत ठंडे कमरे में बैठे हैं, ठंडी मशीन चल रही है, बहुत ठंडा कमरा है और एकदम से हमने बाहर स्टेप किया और बाहर ये 42 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इससे भी टेम्परेचर फ्लक्चुएशन से भी सर का दर्द होता है? बिल्कुल होता है कुछ लोगों, लेकिन क्या वो टेम्परेरी होता है या फिर ये माइग्रेन ट्रिगर कर देता है? देखिए इट कैन ट्रिगर माइग्रेन, माइग्रेन के ट्रिगर्स तो बहुत सारे हैं, समथिंग एज सिंपल एज कि लाइट ज़्यादा तेज़ हो गई, फ्लिकरिंग लाइट्स हो गई, कुछ जैसे कुछ वीडियो गेम्स होते हैं, कुछ टीवी चैनल्स होते हैं वो पहले एक वार्निंग दे देते हैं कि दिस कैन इंड्यूस ए एपिलेप्टिक फिट और अ माइग्रेन अटैक, तो देयर आर सो मेनी ट्रिगर्स कि ब्राइट लाइट्स, टू कोल्ड, इट्स टू हॉट। ठीक है, तो आपका जो सवाल कि जो हेडेक होता है जब, अब अगर हम एक ठंडे कमरे से एकदम से बाहर गर्मी में जाएँ तो स्किन विल फील हीट। ठीक है, और वो उसको ऑटो फ्लक्चुएट करने के चक्कर में वेजर कंस्ट्रक्शन, वेजर डायलेशन होती है, वो हर जगह ही होती है, उसके चक्कर में फिर सर में दर्द होता है, और जब वो उसको रेगुलराइज कर लेता है फिर ठीक हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो कौन सा सर का दर्द होता है जिससे पेरिफेरल विजन आपका अफेक्ट हो जाता है? आप सामने तो देख सकते हो शायद फोकस करके, बट पेरिफेरली आपको कुछ मतलब बहुत वेग हो जाता है और देखना चाहो, टर्न करना चाहो, अपनी आईज आईबॉल्स को मूव करना चाहो तो हर्ट्स। देखिए इफ दैट हैपेंस इट कुड बी ए non serious condition, or it could be a serious condition. अगर सिर्फ आप देख रहे हैं और सिर्फ आपको tunnel vision हुई हुई है, ठीक है, then it's usually a migraine. It's usually a lot of people I know would have one, because इसको कुछ लोग retinal migraine भी कहते हैं, ophthalmic migraine भी कहते हैं। ठीक है, उसमें there's vasoconstriction, जो खून की नालियाँ होती हैं वो सुकड़ जाती है, तो जो blood की supply peripheral retina में कमी होती है, तो इसलिए आपको tunnel vision होती है और peripheral vision नहीं होती है। मगर अगर इसके साथ साथ आपकी गर्दन घुमाने में या आंख घुमाने में भी तकलीफ हो रही है तो इसके प्रॉपरली इन्वेस्टिगेशन की जरूरत है। गर्दन तो शायद आप घुमा लो, आंख घुमाने में आपको आंख घुमाने में अगर एक आंख हो रही है, आंख का दर्द जो यहाँ टेम्पोरल रीजन तक यूं करके जा रहा है, देखिए अगर सिर्फ आई बॉल मूवमेंट का है तो उसका यहाँ से ताल्लुक नहीं है, सही नहीं है इसका ताल्लुक ही नहीं है, इट्स टोटली टू डिफरेंट थिंग्स। वो ऑप्थाल्मोप्लीजिक माइग्रेन भी एक चीज होती है जिसमें आई मूवमेंट पे दर्द होता है, तो उसमें eye movement पे दर्द was the exact term I was supposed to use. ठीक है, सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अब ये मुझे बताएं कि ये जो पीछे का एरिया होता है जिसे हम ऑसिपिटल रीजन कहते हैं, जब यहाँ दर्द होता है तो उसको आँख की आईसाइट के साथ रिलेट किया जाता है, is it true? Not all the time, at least mostly not. इस पे हम और बात करेंगे डॉक्टर साहब एक ब्रेक के बाद। जी व्यूअर्स, वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, कहीं मजा आएगा, विल बी राइट बैक।